तो मैं अभी, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़हीर बेग है। आई वर्क एज ए साइंटिस्ट इन किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स दहरान सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये था कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एक लेक्चर दूँ लड़कियों के लिए। लेक्चर से पहले मेरी मुलाकात हुई अज़हर साहब से, और अज़हर साहब से मिलने से पहले जो हैं ताहिर फराज साहब बता रहे थे कि ये महल्ले में शाहीन नगर में पहला जूनियर कॉलेज है जो लड़कियों के लिए जो है शुरू किया गया। और अज़हर साहब से मुलाकात होने के बाद मैं काफ़ी कॉलेज का रिजल्ट का जो है, सिंस आई एम एन एकेडमिशियन, मुझे हमेशा रिजल्ट की फिक्र रहती। तो अज़हर साहब के साथ मैं जो है जब रैपो किया और मैं बात कर रहा था रिजल्ट्स कैसे रहे, तो मेरा जो गलतफहमी थी कि भाई शाहीन नगर में कॉलेज है तो पता नहीं किस तरीके से होगा, मगर कॉलेज के प्रेमाइसेस और कॉलेज का रिजल्ट देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये कॉलेज 10 साल 15 साल पुराना है। और काफ़ी खुशी हुई मुझे कॉलेज के रिजल्ट जो है सुन के कि 98, 99, और मैथ्स साइंस में जो है लोग 100% भी रिजल्ट्स लाए हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है मैनेजमेंट को और टीचर्स को जाता। जब तक मैनेजमेंट और टीचर्स परफेक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल जो है अच्छी तरीके से चलती नहीं। और जब 1 घंटे का मेरा टॉक था, उस दौरान भी मैं देख चुका हूँ कि बच्चियों के स्टैंडर्ड जो हैं, काफ़ी कुछ सवाल से पता चल जाता कि बच्चियों का स्टैंडर्ड कितना है। और बच्चियों का जो है स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, और बच्चियां जो हैं जो सुनने की उनकी कैपेसिटी है, जुस्तजू से सुनते हैं, और ब्रिलियंट लड़कियां हैं। और मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ये कॉलेज आगे जाके जो है अच्छा बड़ा डिग्री कॉलेज हो जाए, और ट्विन सिटीज़ में हैदराबाद सिकंदराबाद में उम्मीद है कि ये इट विल बी वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज इन ट्विन सिटीज़। तो विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर अजहर एंड अजहर, थैंक यू वेरी मच।